इनकी डोलियों के अंदर कैमरा लगाएंगे और चेक करेंगे कि क्या इनकी डोलियों के अंदर छोटे छोटे एग्स अंडे वगैरह हैं। आज मैं चेक करने वाला हूँ कि हमारी जो फिंचेस हैं उन्होंने एग्स दे दिए हैं या नहीं, क्योंकि पिछली दफ़ा भी जो है ना उन्होंने एग्स दिए हुए थे लेकिन वो अंडों के ऊपर बैठती नहीं थी, वो बाहर ही उड़ती रहती थी केज में और अंडे उनके जो है ना वो डोली के अंदर पड़े हुए थे। तो मुझे थोड़ा थोड़ा शक हो रहा है कि हमारी फिंचेस ने एग्स दे दिए होंगे, तो चलिए अभी हम चेक करते हैं। तो अभी टाइम आ चुका है हम अपने पिजन्स को दाना डालें और ये देख सकते हैं हम कितनी अच्छी गंदम है, माशाल्लाह सही जैसे बोलते हैं ना मोटे दाने वाली गंदम है ये, हम अपने पिजन्स को डालते हैं। आओ आओ, मुझे लगता है ये भूखे नहीं है क्योंकि थोड़ी देर पहले ही मैंने अंदर वो सारा दाना वगैरह डाल दिया था। फिर फिंचेस की तरफ अभी हम जाएंगे, मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बैड न्यूज़ हो गई है। लोगों को भी बहुत अच्छा लग रहा था और मुझे भी काफ़ी अच्छा लग रहा था, लेकिन अचानक ये हो गया और काफ़ी ज़्यादा मुझे दुख हो रहा है आप लोगों को बताते हुए भी, लेकिन बताना तो पड़ेगा। अभी जो है ना वो मुर्गा लेके आ रहा है नीचे, मुर्गों को दाना वगैरह डालते हैं और हमारे जो लकी पिजन्स हैं ना वो अंदर हैं। तो यहाँ पे सारे लकी पिजन्स बंद हैं, ये देखें, यहाँ पे मैंने इस मेल को इसलिए बंद किया है ना ताकि ये मेल अंदर में किसी भी फीमेल के साथ पेड़ लगा ले। मतलब अभी ये हमें नहीं कन्फर्म हो रहा कि ये वाली फीमेल है या ये वाली फीमेल है। सो गाइज, अभी लकी पिजन्स को भी मैंने बाहर निकाल दिया ताकि थोड़ा सा घूम फिर लें, काफ़ी अच्छा मौसम है इस टाइम, इन्जॉय कर सकते हैं बाहर। और बाकी दो लकी पिजन जो है वो अंदर ही हैं, उनको भी अभी हम बाहर निकालते हैं। ये देखें अभी दाना खाने लग गए हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह, ये लकी पिजन खुद ही बाहर निकल आया है और दूसरा लकी पिजन वो सामने। सर ये वो वाला पिजन है जो मैं इस हाथ से लेके आया हूँ माशाल्लाह, लेकिन वो एक और ब्लैक पिजन है जो अभी तक बाहर नहीं निकला। वो देखें ज़रा, मुर्गा वो ऊपर चढ़ा हुआ है और ये ब्लैक चूजी हमारी जो है ना ये यहाँ पे है, अयान उसको भी नीचे लेके आ रहा है। तो ये वही वाली ब्लैक चूजी है जो हमारी वाइट मुर्गी का बच्चा था, वो वाइट मुर्गी सामने है ना, वो उसकी ये बच्ची थी चूजी और अभी बड़ी होके माशाल्लाह इतनी हो गई है। यार हमारी ब्लैक लकी कबूतरी अभी तक बाहर नहीं निकली, अभी मैं उसको जल्दी से निकालता हूँ, उसके बाद जो है ना हम बटेरों की तरफ आते हैं। और काफ़ी मुझे दोस्त बोल रहे थे कि आप अपने बटेरों को मिट्टी में छोड़ा करो, बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो आज मैंने सोचा कि हम इनको अभी मिट्टी में छोड़ेंगे और इनको देखेंगे कि ये कितना इन्जॉय करते हैं, इनको दाना वगैरह भी डालेंगे मिट्टी में तो बहुत मज़ा आएगा। लेकिन उससे पहले मैं अपनी लकी कबूतरी को जल्दी से बाहर निकाल देता हूँ ताकि वो उन कबूतरों के साथ जाए, उनके साथ घूमे फिरे, इंजॉय करे और थोड़ी देर बाद हम उसको बंद कर देंगे। क्या हुआ? छोड़ दो, नहीं लेके आओ, छोड़ो, खैर है, कोई नहीं। मैं सोच रहा था यार इसको नीचे वाइट मुर्गी के पास लेके आता, ये बच्चों के साथ घूमता थोड़ा सा, क्योंकि इनकी बहुत केयर करता है छोटे चूजों की, लेकिन अभी वो नीचे आ रहा नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं। मुझे समझ नहीं आ रही इसको क्या प्रॉब्लम हो गई है, ये जो है ना अभी बाहर भी नहीं आ रही थी और ये काफ़ी वीक भी होती जा रही है, इसकी हड्डी निकली हुई है आगे से, मैंने अभी पकड़ के देखा है, ये देखें ज़रा इतनी वीक होती जा रही है ये, पता नहीं इसके साथ मसला क्या है। तभी मुझे लगता है शायद ये पेड़ नहीं लगा रही उस वाले मेल के साथ, तो इस फीमेल को जो हम जो है ना इधर छोड़ देते हैं ताकि ये दाना खाए और जल्दी जल्दी से ये मोटी हो जाए और पहले की तरह ये सेहतमंद हो जाए। अभी देखें उसके पास जा रही है, अल्लाह करे कि यार ये दोनों पेड़ लगा लें और हमारे पास अंडे दे दें, बहुत प्यारे इनके बच्चे होंगे। ब्राउन जो है ना ये भी मतलब इतना खास इनका पक्का पेड़ नहीं लगा हुआ, लेकिन उम्मीद है कि ये जो है ना आपस में लगा लेंगे, अभी थोड़े पट्टे लग रहे हैं मुझे दिखने में। अबे जो अबे अंदर जा रहे हैं यार, यार अंदर नहीं जाने, बंद करो दरवाजे को, बंद करो। एक कबूतर अंदर ही रह गया है हमारा, अंडों पे बैठा हुआ है, अभी हम जाके अंडे भी चेक करते हैं और देखते हैं कि अंडों में मतलब इनक्यूबेट उनको ठीक तरह से कर रही है या नहीं। और मैंने आप लोगों से वादा किया था कि हम जो है ना अंडों की अच्छे से केयर करेंगे, इस दफ़ा बच्चे ज़रूर निकलवाएंगे। सो अभी मैं अंदर जाके देखता हूँ और हम अपने बटेरों को भी जो है ना अंदर छोड़ते हैं। मेरे ख्याल से पहले हम बटेरों को उठा लेते हैं, उनको छोड़ देते हैं यहाँ पे, साथ ही हम अंडे भी देख लेंगे। तो माशाल्लाह ये देखें ज़रा, ये हमारे क्यूट बटेरे, ब्लैक एंड वाइट इनका नाम रखा है मैंने, ब्लैक एंड वाइट, इधर आओ, आ जाओ, आपको अंदर छोड़ो। जी, हाँ ये देखे अयान, ब्लैक को लेके आओ, जल्दी करो, ब्लैक को भी लेके आओ, वो सामने है, माशाल्लाह यार बहुत क्यूट है, इसके सर पे थोड़े से बाल भी नहीं है, ये गंजा हो गया, अल्लाह करे यार ये जल्दी से पेड़ लगा के अंडे दे दें ये बटेरे हमारे। पता नहीं कैसे अंडे देते हैं, कब देते हैं, अगर आपको पता हो ना तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। वो देखें, एक को मैंने वहाँ पर छोड़ दिया, कितना खुश हो रहा है यहाँ पर मिट्टी पर आके और नीचे चौंचे मार रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे ये मिट्टी में कुछ खा रहा हो। और ब्लैक को भी जो है ना यार ने छोड़ दिया, अभी देखिए ब्लैक भी कुछ खा रहा है यहाँ पे, बहुत खुश हो रहे हैं माशाल्लाह, ऐसे ही इंजॉय करते रहे। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें
ये मेल जो है ना वो अंडों पे बैठा हुआ था, मुझे देखते ही जो है ना योग के माशाल्लाह ये देखें ये इनके अंडे पड़े हुए हैं यहाँ पे। अच्छा मेरे सहन में एक आइडिया आया, मैं सोच रहा हूँ कि हम अपने जितने भी पिजन्स हैं ना उनको अंदर इस वाली केज में ट्रांसफर करते हैं और इस केज को जो है ना हम मास्टर केज बना देते हैं जहाँ पे हम छोटे छोटे बर्ड्स लाइक डव्स वगैरह हो गए और फिंचेस वगैरह छोड़ देते हैं और यहाँ पे हम सारी डोलियाँ लगा लेंगे दीवार के साथ, तकरीबन मेरे ख्याल से 20-25 लग ही जाएंगी। बाहर से करके दिखाता हूँ ठीक करके। हाँ अभी देखें यहाँ पे हम डोलियाँ लगा लेंगे सामने सारी और यहाँ पे सारे पिजन्स को छोड़ देंगे क्योंकि ये काफ़ी अच्छी जगह है और सेफ भी है, तो यहाँ पे बारिश का पानी भी नहीं जाता, मेरे ख्याल से बहुत अच्छी रहेगी। मुझे लगता है इस तरह बहुत अच्छा हो जाएगा, मतलब बहुत प्यारी जगह है ये। खैर अभी हम सोचते हैं क्या करना है। और माशाल्लाह यार हमारे जो बर्ड्स हैं ना अंदर 25 वगैरह उन्होंने ब्रीडिंग स्टार्ट कर दी है अल्हम्दुलिल्लाह से। और यार क्या बताऊँ मैं आपको, मैंने वीडियो भी बना के दूसरे चैनल पे डाली है पार्क सिटी बर्ड्स पे, उसका लिंक मैंने कम्युनिटी में शेयर किया था, आप लोग देख लेना जाके। माशाल्लाह सारी डोलियों में अंडे पड़े हुए हैं। अभी मैं आपको थोड़ा सा बाहर से दिखाता हूँ, ये चेक करें माशाल्लाह। ये हमारा हेलीकॉप्टर की फीमेल है और बाकी देखें डोलियों में बैठे हुए हैं कुछ पेयर, कुछ वहाँ पे हैं, कुछ उधर हैं, कुछ इधर हैं। माशाल्लाह इन्होंने अपनी जो है ना प्रॉपर तरीके से ब्रीडिंग स्टार्ट कर दी है और इंशाल्लाह जब अच्छी ब्रीड आएगी आपने ज़रूर दुआ करनी है और कमेंट्स में माशाल्लाह लिखना है। ठीक हो गया। अच्छा यार एक बहुत बड़ी बैड न्यूज़ हो गई है, अभी मैं आपको मुर्गी दिखाता हूँ बच्चों वाली, देखें यहाँ पर घूम रही है। अभी इसके साथ आपको सिर्फ दो बच्चे नज़र आ रहे होंगे, ठीक है, एक दो बच्चे, बाकी इसके जो बच्चे हैं ना उनकी मतलब डेथ हो गई है। काफ़ी मुझे दुख हो रहा है लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ किस वजह से डेथ हुई है, वो भी मैं भी आपको बताता हूँ। अभी इसके साथ एक वाइट बच्चा है और एक ब्लैक बच्चा है, ब्राउन है सॉरी, ब्लैक नहीं है। और मुर्गी जो है ना वो उनको ही संभाल रही है माशाल्लाह से, ये देखें ज़रा उनकी केयर कर रही है। और बाकी जो तीन बच्चे थे ना, एक वाइट बच्चा था उसको पता नहीं बिल्ली उठा के ले गई थी कि क्या हुआ था वो, उसका तो हमें पता नहीं चला, लेकिन दो बच्चे मेरी आंखों के सामने उनकी डेथ हो गई है और वो अंदर ही है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ चल के, ये रोमियो हीर का घर है और रोमियो हीर जो है ना वो अंदर होंगे अभी, ये देखें ज़रा, ये एक ब्लैक चूज़ा पड़ा हुआ है और एक ब्लैक चूज़ा वो सामने पड़ा हुआ है, इन दोनों की डेथ हो गई है। कि आप लोग पूछेंगे कि इनकी डेथ किस तरह से हुई है, तो यार हुआ इस तरह से है कि हमारा जो कल हम मैंने वीडियो बनाई थी ना कल वाली, आप लोग मेरे चैनल पर जाके देख लीजिएगा, तो कल वाली वीडियो में हुआ ऐसे था कि हमारे जो बच्चे थे वो पानी में नहा रहे थे, तो एक बच्चा था जो वो बहुत ज़्यादा गीला हो गया था, तो वो उसको गीला होने की वजह से उसको इतनी ठंड लगी, मतलब ठंड नहीं लगी उसको, अचानक से कुछ हुआ और वो उसी जगह पे मर गया। थोड़ी देर बाद 15-20 मिनट बाद वो मर गया था, मुझे लगा था शायद ये सूख के ठीक हो जाएगा लेकिन वो ठीक नहीं हो सका। और दूसरा जो बचा था उसकी टांग पे लगी हुई थी, उसकी आंख पे पता नहीं किस तरह से लगी है, मुझे ये लगा कि शायद मुर्गी ने उसे मारा है क्योंकि मुर्गी उसको बहुत ज़्यादा मार रही थी, मतलब उसको कभी पंजे मारती कभी चोंच मारती कभी क्या कभी क्या, तो उसको मुझे यही लग रहा है कि मुर्गी ने मारा है। और दो बच्चों की इस तरह से डेथ हो गई, हुआ तो काफ़ी दुख है लेकिन यार क्या कर सकते हैं आप। अभी हम जाते हैं फिंचेस की तरफ, पिजन्स को जो है ना थोड़ी देर बाद हम बंद करेंगे, फिंचेस की तरफ जाते हैं और चेक करते हैं कि हमारी जो फिंचेस हैं। ओए ओए तुम लोग किधर जा रहे हो? अरे नहीं, अच्छा फिंचेस, हेलो फिंचेस, हाउ आर यू। अभी हम फिंचेस की तरफ आके देखते हैं कि हमारी फिंचेस जो है ना इन्होंने अंडे वगैरह दे दिए हैं या नहीं। इनकी डोलियों के अंदर कैमरा लगाएंगे और चेक करेंगे कि क्या इनकी डोलियों के अंदर छोटे छोटे एग्स अंडे वगैरह हैं या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। यहाँ ने दरवाज़े को बंद करो, अगर कोई उड़ उड़ जाती है तो फिर जो है ना यहाँ से निकल नहीं सकेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको मैं खोल देता हूँ। अच्छा ये देखें यार माशाल्लाह ये हमारा पौधा काफ़ी बड़ा हो चुका है, अल्लाह करे कि यार ये इसी तरह से बड़ा होता रहे और यहाँ तक आ जाए, फिर हमारी फिंचेस के लिए भी बहुत अच्छी जगह बन जाएगी, मतलब यहाँ पर पूरा पौधा होगा ना तो बहुत खुश होंगी। खैर अभी मैं इसको खोलता हूँ, अल्लाह करे कि यार ये अंडे वगैरह पड़े हों या कुछ ना कुछ हो अंदर। खैर अभी चेक करते हैं, कैमरे को मैं अंदर लेके जा रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यार मुझे लग रहा है कि शायद इन्होंने अभी तक अंडे नहीं दिए क्योंकि डोलियों के अंदर मुझे एग्स वगैरह नज़र नहीं आए, अंदर घास वगैरह पड़ा हुआ है, नेस्टिंग पड़ी हुई है लेकिन इन्होंने अंडे नहीं दिए। अब पता नहीं यार ये अंडे क्यों नहीं दे रही, क्योंकि नेस्टिंग भी इनकी पूरी हो चुकी है, सब कुछ पूरा है लेकिन इसको अंडे तो दे देने चाहिए, अब अल्लाह जाने क्यों नहीं दे रही अंडे। अभी हम जो है ना पिजन्स को बंद कर देते हैं अंदर क्योंकि काफ़ी टाइम से ये बाहर घूम रहे हैं और बिल्ली वगैरह आजकल बहुत ज़्यादा आ रही है,
हमारे कुछ और पिजन्स जो है ना वो बिल्ली उठा के ले गई है। आप लोगों ने क्वेश्चन करना है कि कौन से पिजन्स हैं। सर हमारी फिंचेस ने अंडे नहीं दिए लेकिन उम्मीद है कि कुछ दिन तक इंशाल्लाह ये दे देगी। और रोमियो ही यहाँ पे घूम रही है, मैं आपको रोमियो दिखाता हूँ। ये देखिए मेरा, ये माशाल्लाह यार बहुत प्यारी होती जा रही है। फिंचेस को इंशाल्लाह मुझे लगता है 5-6 दिन तक या जब भी वही अंडे दे देंगी। और काफ़ी दुख हुआ लेकिन खैर जो भी होता है बेहतरी के लिए होता है। उम्मीद करता हूँ आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं चल अगली वीडियो में, दो में याद रखिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।